हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है? अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस। तो बेटा इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस 64। ठीक है बच्चों, और इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा बीटा बताओ? सी बाय। शाबाश। देखो है तो ये क्लास 11 का क्वेश्चन, लेकिन रूल सारे 9th 10th वाले यूज होंगे बेसिक। जैसे एक्सपोनेंट का एक रूल होता है बेटा, एक्सपोनेंट का क्या रूल होता है मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लगा भी लो। अगर मैं कहूँ ए बाय बी की पावर एन, तो आपको पता है ये जो एन है वो ए के ऊपर भी आता है, और ये तो 9th क्लास में सीख लिया था हमने, है ना। फिर अगर मैं कहूँ, कई बच्चों ने 8th में भी सीख लिया था, ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर वाई टू दी पावर एम, तो अब क्या होगा? ये तो ए की पावर एक्स की पावर एम हो जाएगा, मतलब एम एक्स हो जाएगा, है ना। और सर नीचे बी की पावर वाई एम। ये तो हमने स्कूल लेवल में भी पढ़ी है चीजें, अभी भी स्कूल में भी है कई बच्चे कई नॉर्मल अटेंडिंग भी होंगे। तो बेटा ये जो 1/8 है, अल्फा की पावर 3/8 हो जाएगा, आया ना। नीचे बीटा की पावर 5/8। ठीक है, इजी। स्कूल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बहुत काम की चीजें हैं। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा? बीटा की पावर, ठीक है। अब बताओ कैल्शियम क्या आएगा? अल्फा की 5/8 इंटू बीटा की 5/8। तो एक बार बताओ, स्कूल लेवल पे एक रूल किया 10th तक, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो ए बी की इकट्ठी पावर एन भी लिख दो तो कोई नाराज नहीं होने वाला आपसे। तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा टू दी होल 5/8। समझ गए? ये डिनोमिनेटर में एलसीएम है, ध्यान रखना। अब मैं कलर भी इसको चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज ले लेता हूँ। ये बीटा की 5/8 तो नीचे भी है, तो रह कौन जाएगा? अल्फा की 5/8। मल्टीप्लाई किससे होगा? अल्फा की 3/8 से। अल्फा की 5/8 इंटू अल्फा की 3/8 खुश। अल्फा की 5/8 इंटू अल्फा की 3/8, अल्फा की 8/8 धन की 1। अल्फा ये अल्फा बच जाएगा यहाँ से, हाँ या ना। और यहाँ बीटा की 3/8 इंटू बीटा की 5/8 बीटा। बस हम नॉर्मल से रूल्स है, अल्फा प्लस बीटा हमने अभी अभी निकाला 64। अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या निकाला था बेटा अभी? 256। हाँ जी बच्चों, 256 खुद क्या होता है बोलो? हाँ, 2 की पावर 8, और उस पूरे में भी 5/8, 8 से 8 कट, 64/2 की पावर 5, 32। तो फाइनल आंसर, मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं हुआ होगा, ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा रूल्स कौन से यूज हो रहे हैं? एक्सपोनेंट्स के, एक्सपोनेंट के रूल्स इसमें भी यूज हो रहे हैं, और कौन से चैप्टर में होते हैं? लॉगरिथम में सारे एक्सपोनेंट के रूल भी चलते हैं, ठीक है ना।